आज पाम संडे है। आज के दिन प्रभु ईसा मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। रांची के सटे मैरी कैथलिक में सामूहिक मीसा पूजा हुई है और लोगों ने खजूर के पत्ते हाथ में लेकर प्रभु का दर्द महसूस किया है। के साथ साथ आज पाम संडे भी है। दुनिया भर की गिरजा में आज प्रभु ईसा मसीह के यरूशलेम प्रवेश के उपलक्ष में मिस्सा पूजा हो रही है, प्रार्थना हो रही है। रांची के चर्च में भी बड़ी भारी भीड़ के साथ तमाम श्रद्धालुओं ने प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना की और पाम संडे मनाया। पाम संडे क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं फादर, आप बताएं कि आज क्या उपलक्ष है, क्या मौका है, पाम संडे क्यों मनाया जाता है? पाम संडे हम लोग बहुत उत्साह के साथ, बहुत ज़ोर शोर से, बहुत आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन में हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारा महान गुरु, यरूशलेम में प्रवेश करता है। और लोगों ने क्या सोचा कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक महान नेता बनेगा, और चूंकि उस समय पूरा इसराइल रोमियों के अधिकार में था, अधीन में था, वो सोचते थे कि ये बड़ा नेता बनकर, बड़ा राजा बनकर, पराक्रमी बनकर रोमियों को भगाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने भी बहुत ज़ोर शोर से हमारे प्रभु का स्वागत किया और यरूशलेम में प्रवेश कराया। और इसलिए हम लोग इसे दुख भोग कर रविवार भी कहते हैं, खजूर रविवार भी कहते हैं, हम लोग दुख भोग कर रविवार भी कहते हैं। तो ये चीज़ हम लोग के मन में सदा रहता है, और इसलिए भी क्योंकि आज के बाद से हम लोग एक सप्ताह संपूर्ण रूप से अपने मन में, दिल में, बाह्य रूप से हम लोग दुख भोग को मनाएंगे। इसमें व्यक्तिगत रूप से इनमें कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रत्येक जन घर में विनती प्रार्थना करेगा, मनन ध्यान करेगा। अब मूल रूप से पूछेंगे उनको शारीरिक पीड़ा क्या थी, एक तो गेतसेमानी बाड़ी में पीड़ा थी, उसके बाद में जब रोमियों ने उसे कोड़े लगवाए उसमें बहुत पीड़ा थी, क्योंकि रोमी लोग तो क्रूर थे एक तरह से, मैंने यहूदियों के प्रति बहुत ही क्रूर व्यवहार करते थे, तो उन्होंने उन्हें कोड़े लगाया, और जहाँ तक मालूम है कि करीब करीब उसे 120 बार कोड़े लगे थे, और उसको हम लोग याद करते हैं। तो ये थी प्रभु यीशु को दी गई प्रताड़ना की पूरी कहानी, और पूरे एक सप्ताह तक उनकी दर्द, उनकी तकलीफें, सलीब लेके पहाड़ पे चढ़ने का दर्द सब कुछ महसूस करते हैं ईसाई समुदाय के लोग। कैमरामैन अरविंद के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची। देवगढ़ सारट के राणा टोला में जमीन विवाद में दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई है। इस वारदात में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, बाद में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। राजधानी रांची में आज 54 सेंटरों पर एनटीए की परीक्षा हो रही है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बता दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिल्ली की ओर से पूरे देश में यह परीक्षा ली जा रही है। सेंटर का जायजा लिया है सहयोगी शहनवाज अख्तर ने। एनडीए की परीक्षा भी है दोनों पालियों में, राज्य भर में एनडीए की परीक्षा का सेंटर पड़ा है। रांची में भी परीक्षा हो रही है, दो पालियों में ये परीक्षा संचालित की जा रही है, यूपीएससी द्वारा ये परीक्षा संचालित की जा रही है। जाहिर है आज रामनवमी का जुलूस भी है और पाम संडे भी, इसीलिए तमाम परीक्षार्थियों से ये अपील की गई थी कि एक दिन पहले ही वो अपने अपने सेंटर के शहर में पहुंच जाएं और अपना अपना स्थान आरक्षित कर लें, क्योंकि बाद में परेशानी हो सकती है। प्रशासन की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण तमाम परीक्षार्थी अपने अपने सेंटर पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं इस वक्त उर्सुलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल में परीक्षा संचालित की जा रही है, और परीक्षा के लिए बहुत ही सख्त नियम कायदे कानून भी बनाए गए हैं, जिसके संबंध में द्वार पर लगे पोस्टर पर ही जानकारी दे दी गई है। उसमें बताया गया है कि कोई भी परीक्षा के
केंद्र के अंदर मोबाइल फोन या किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के नहीं जाएगा। इसके अलावा परीक्षा के लिए जो स्टैंडर्ड गाइडेंस और रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तमाम चीज़ों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। कैमरामैन अरविंद के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।